दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। एक तरफ जहां पर अभी बच्चे अपने भविष्य को संवारने के लिए परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं और अभी वर्तमान में 10वीं और 12वीं की परीक्षा चल रही है, लेकिन आलोट तहसील के गांव हनुमंतिया में सुबह से लाइट बंद है, जिससे सभी ग्रामीण जन और मुख्य रूप से 10वीं 12वीं के विद्यार्थी परेशान हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में जिन लोगों ने बिजली के बिल जमा कर रखे हैं, उन्हें भी अंधेरे में रखा जा रहा है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने पूरे गाँव की लाइन कट करने के बाद अपने मोबाइल बंद कर रखे हैं। इस संबंध में जब डी महेंद्र माइडा से बात की तो उन्होंने बताया कि बिजली बिल बकाया होने के कारण पूरे गांव की विद्युत सप्लाई को रोका गया है और इसे तब तक रोकेंगे जब तक पूरे गांव की बिल जमा नहीं हो जाते। अब जिन्होंने बिल भर रखा है वह भी अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। विद्युत विभाग की इस मनमानी से ग्रामीण जनों में आक्रोश है। हमारे 10वीं की परीक्षा चल रही है, हमारे पूरे गाँव की लाइट कटी हुई है, हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, करीबन 24 घंटे से लाइट कटी हुई है।